अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपका सीकर हो चैनल के व्लॉग पे। आई होप आप सब ठीक होंगे। लेट्स स्टार्ट माय इंट्रो। आज हम आपको अपनी वीडियो पे दिखाएंगे क्रिकेट जॉय का पूरा इंट्रो, कैसे हम उसके अंदर से पेजेस निकालते हैं, कैसे उसके अंदर नाम पेंट करते हैं, सारा कुछ। और मतलब क्या कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास ऐड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होती, तो सारा कुछ आपको बताएंगे क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। और ये आ जाते हैं उसके छोटे छोटे से कटर्स, जिसकी वजह से हम उसको कट कर सकते हैं। ये हर तरह के कोई भी शेप्स में आप कट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। आपने किस तरह का अपने शेप उसको कट करना है, तो आप उसकी तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हो। बीच में ये कुछ कटर्स हैं जो डिफरेंट शेप्स के बने हुए हैं, और ये पेजेस वगैरह है जिसके ऊपर कट करके निशान लगता है। और हमें जो भी कलर चाहिए था हम उसको उस तरह काट सकते हैं। तो ब्लैक में भी है, वाइट में भी है, ये वाइट में है। और ये हमारे पास आ जाता है शाइनिंग में, मल्टी शाइनिंग है। और ये हमारे पास आ जाता है गोल्डन कलर है। और डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं, और भी डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप जो सा मर्जी कलर लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो हम इसको निकाल के दिखाते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या, चलो देखते हैं। ये इसके अंदर हमारे पास 4 शीट्स होती हैं, लेकिन इसको हमने यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर 4 शीट्स आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन इधर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, वो भी आपको दिखा दी जाएंगी। तो हम इसको चलो खोल लेते हैं, जो हमारे पास वाइट कलर का, इसको खोल कर आप दिखा देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं, चलो लेट्स गो, हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। ये हमारे पास है मल्टी शीट्स, कितनी प्यारी लग रही है ना, वो कितना अच्छा शाइनिंग आता है जब उसको कट होता है। तो हम किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी बॉक्स के ऊपर, या किसी भी किचन के ऊपर जब हम नाम लिखते हैं तो इससे वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देखिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर मतलब 33 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर 4 शीट्स होती हैं। तो कल का व्लॉग अगर आपको मेरा अच्छा लगा था, और आप आज का व्लॉग भी अगर आपको मेरा अच्छा लगा, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। ये तो ज्यादती है कि सारी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो, और कमेंट में बताओ कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मैं आपको वो दोबारा बता दूँ। दोबारा बताने में मुझे कोई हर्ज तो नहीं होगा यार। तो चलो 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 हम देखते हैं अब गोल्डन कलर। वाओ, मुझे तो सबसे पहला मल्टी कलर लगा था। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे पहला कौन सा कलर लगा है, कितना प्यारा, कितना हसीन लग रहा है ना। तो ये हमने सोचा कि हम हर दफ़ा क्रिकेट जो है उसका हम काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया कि क्या चीज़ है, कैसे प्रिंट होता है, कैसे नहीं प्रिंट होता। तो हम सोचा कि मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो में आज ये वीडियो बना दी जाए कि ये कैसे यूज़ होता है, तो आप लोगों को भी पता चल जाए कैसे होता है। लेकिन ये मेरी इधर से मैंने नहीं थी ली, ना ही मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया, ये मेरी कनाडा से आई थी, तो इस वजह से मैंने फिर इजीली मुझे मिल भी गई है, उसकी चीज़ें भी मुझे मिल गई हैं। तो ये कटर है, ये कटर सबसे छोटा कटर है बीच में, जो इन सब कटर्स के बीच में डलता है। ये बहुत ही छोटा कटर है, लेकिन ये बहुत तेज़ होता है। ध्यान रखें कि किसी बच्चों के हाथों में ना लग जाए, क्योंकि बच्चों का तो पता होता है आजकल की जनरेशन जो है वो तो हमसे भी ज़्यादा तेज़ है भाई। चलो जी, ये आ जाते हैं। इसके अंदर भी हमारे 4 पीसेज हैं, 4 to 5 पीसेज होते हैं, वो आप देख लीजिएगा, बाय पीसेज लिखे भी होते हैं, तो जिसने जो जो लेना है वो देख सकता है, और जिसने जिस तरह से काम करना होता है वो उस तरह से अपनी शीट्स भी ले सकता है और कटर्स वगैरह भी ले सकता है। और ये हमारे पास आ जाती है क्रिकेट जॉय, तो इसका अंदर से निकाल कर दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसी होती है। तो आपको लग रहा होगा बाहर से डिब्बा तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अंदर से तो छोटी सी है, इतनी भी छोटी नहीं है, बस नॉर्मल ही है, ज़्यादा भी छोटी नहीं है। तो ये हमारे पास चलती है आईफोन की हेल्प से, चलती है आईफोन की मदद से, चलती है ये हेल्प से, इतनी भी अंग्रेज़ी क्या मैं मारूँ भाई। तो चलो, ये आईफोन की मदद से चलती है। वैसे भी आप किसी भी इन्फिनिक्स से भी चल सकती है, इन्फिनिक्स नोट 30 वगैरह से भी चल सकती है, लेकिन मैंने जो है मेरी जो है वो आईफोन से चली थी, तो फिर मैंने आईफोन लिया था। तो ये बीच में एक कटर डला हुआ है, इसके नीचे हम पेज रखेंगे, और इसको हम इनपुट देंगे तो वो हमें आउटपुट देगा, या फिर आउटपुट देंगे तो इनपुट देगा, पता नहीं क्या होता भाई, मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता, जो भी होता है। ये उसका चार्जर है, जिस चार्जर से ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, ऑन हो जाती है। चलो अब इसको ऑन करके भी दिखाते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, जो इसको कनेक्ट कर लिया, अब इसको इधर से भी कनेक्ट कर लेते हैं ताकि ये ऑन हो जाए और हम आपको बता सके कि ये कैसे चलती है। जो पीछे इसका छोटा सा प्लग लगा हुआ, तो हम इसको इधर कनेक्ट कर लेते हैं, इधर इसकी वायर लगा लेते हैं, तो ये हमारी हो गई है ऑन। ऊपर से ब्लिंक लाइट जो है वो ब्लिंक करेगी, तो फिर जैसे हम इसका बटन भी ऑन कर लेते हैं। चलो लाइट स्टार्ट। कौन कौन देखना चाहता है, लेकिन अगली वीडियो देखने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई, अब तो पूरी वीडियो देख चुके हैं, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। और इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंटर भी होता है, अगर आप पॉइंटर की मदद से भी कोई निशान लगाना चाहते हैं, पॉइंटर की मदद से पहले लिखना चाहते हैं और बाद में फिर ऊपर कटिंग करना चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप पॉइंटर की मदद से सिर्फ उसको लिखना चाहते हैं, तो आप पॉइंटर भी बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। ये भी क्रिकेट जॉय का ही पॉइंटर है।
कि बीच में सिर्फ एक ही पॉइंटर उन्हें दिया होता है, आप मल्टीपल्स पॉइंटर्स भी ले सकते हैं, वो आपको खुद लेने पड़ेंगे। तो ये छोटा सा इसका हिस्सा है जिसके अंदर आपने कोई भी कटर रखना होता है या फिर कोई भी आप पॉइंटर रख के उससे काम कर सकते हो। तो हमने पॉइंटर भी रख सकते हैं और कटर भी रख सकते हैं। बहुत ईजी सी वर्किंग है इसकी और ईजीली हो भी जाती है। तो जैसे हम इसको इसके अंदर रखेंगे, उस चीज़ के अंदर रखेंगे, उसका जो हिस्सा बना हुआ है उसके अंदर रखेंगे, तो ऊपर से वो खुद बहुत ही पुश हो जाता है, तो वो लिखना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो चलेगी ना, जब वो स्टार्ट होगी चलना, तो वो खुद ही ऐसे चलना शुरू हो जाएगी, वो आपको पता चल जाएगा। फिर बीच में उन्होंने कुछ पेपर्स वगैरह भी दिए होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, तो अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपके काम करने में ईजी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दी गई हुई या कैसे कैसे ये काम होगा। तो ये छोटे से इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप ये पढ़ लो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, अगर आपको मेरी वीडियो से समझ आ गई है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा और क्या चाहिए होता है। इंस्ट्रक्शंस कौन इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी पढ़े, मेरे से ज़्यादा इतनी अंग्रेज़ी पढ़ी नहीं जाती। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप जो है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी, अगर आपको नहीं भी अच्छी लगती होगी, आपको अच्छी लगती भी है तो तब भी लाइक कर दें, अगर नहीं भी लगती तब भी लाइक कर दें, तब भी शेयर कर दें। तो ज़रा ना सा पीछे बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं तो उसको थोड़ा इग्नोर करें, क्योंकि हर घर में बच्चे तो होते ही हैं और आवाज़ें तो पीछे आती हैं, कोई ऐसा कोना तो है नहीं कि जिधर मैं बैठ के कर सकूं, जब को आवाज़ें भी ना आए तो उसको इग्नोर करें। अब ये हमारे पास लैपटॉप और ये उसकी कुछ और भी शीट्स हैं जो शाइनिंग शीट्स हैं, दूसरी जो हैं वो सिंपल भी थी लेकिन वो दूसरी तरह की थी और ये दूसरी तरह की है। अगर ये मैंने किसी रेजिन का कोई किचन बनाया है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो बुकमार्क की थी, तो बुकमार्क के ऊपर जो जिस तरह का उनने कटिंग की हुई थी, जिस तरह की कटिंग थी, तो वो इसी से कटिंग की गई हुई थी, इन्हीं शीट से कटिंग की गई हुई थी। तो आप किसी भी शीट से आप कटिंग कर सकते हैं। ब्लू है, रेड है, सिल्वर है, ब्लैक है, गोल्डन है, वाइट है, तो ये भी वही शीट्स हैं जो पैकेट में मैंने देखी थी। आप कोई भी शीट्स ले सकते हो, पैकेट वाले भी ले सकते हो, गोल्ड ये गोल्ड वाली भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जिस तरह की मर्जी लेना चाहो आप उस तरह की ले सकते हो। तो मुझे ये भी अच्छी लगी थी, मुझे वो भी अच्छी लगी थी, इस वजह से मैंने दोनों ही ले लिए। तो ये हमारा है पूरा क्रिकेट जो आए का पूरा एक सैम्पल है, पूरा उसकी चीज़ें हैं। और ये मैंने आपको पहले ब्लैक पॉइंटर दिखाया था, तो अब ये उसके मल्टीपल्स पॉइंटर्स हैं जो कि डिफरेंट पॉइंटर्स हैं। आप किसी कोई भी पॉइंटर आपको जो भी कलर चाहिए आप उस कलर से कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। अगर कोई मुश्किल लग रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपको आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर लूँ। ये डिफरेंट पॉइंटर्स हैं, ब्लैक कलर का पॉइंटर उसमें भी था लेकिन जब मैंने ये लेदर पॉइंटर सारे लिए थे तो उसके अंदर से ब्लैक पॉइंटर जाहिर सी बात है आना ही था। तो ये बहुत ब्रीक इसकी निब जो है वो बहुत ही ब्रीक है, अच्छा काम करती है, आप ट्राई कर सकते हैं लेकर, इजीली आपको वर्क करने में आसानी भी हो सकती है। तो आज जो है मैंने इसके सारे पार्ट्स वगैरह दिखा दिए हैं, कल की वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगी कि ऐसे वर्क करता है। जो जो कल की वीडियो देखना चाहता है तो वो कल इंतज़ार करे और हम क्या कर सकते हैं, तो कल की वीडियो में इंतज़ार करें ताकि आपको कल इसकी वर्किंग भी अच्छा आ जाए और आप इस चीज़ को बाय भी कर सकें, आपको मज़ा भी आए। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी है, आप मुकम्मल तौर पर मेरी वीडियो देख ली, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो दबा दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा।